मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो लॉ की आ तो सच मनो मैं मतलब भी जिंदगी कदे कोई जॉब वाला फॉर्म नहीं भरया है कदे कोई एप्लीकेशन नहीं दी है कदे कोई पेपर नहीं दिता है जॉब वास्ते तो क्यों नहीं दिता है यार मेरा मन नहीं सी जॉब करना ठीक है सीधी गल है मतलब मैनू मैं तो नहीं होनी सी जॉब तो जब मेरी लॉ कंप्लीट हुई है ना मेरे को उदों करन कुछ नहीं सीगा ठीक है मैं मतलब भी जॉब वास्ते अप्लाई करना पैना सीगा क्योंकि जब थोनू कुछ नहीं दिखता है ना फिर थोनू एक किनारा करना पैंदा तो उदों मेरी खुशकिस्मती सीगी भी कोई पेपर निकल नहीं रहा सीगा तो मैं ना पहला भी बहुत हथ पले मारे भी मैनू यार यही काम ना करना पवे भी इधर नौकरी वाला काम ना करना पवे मैं पहला जब मैं लॉ करता हुंदा सीगा मैं शायद थर्ड ईयर च सीगा तो उदों मैं शेयर मार्केट बारे मतलब भी सीखता हुंदा सीगा पढ़ता हुंदा सीगा तो ट्रेडिंग करता हुंदा सीगा स्टॉक मार्केट दे विच तो उधर मतलब भी मैं जिवें 3-4 महीनों के 10,000 रुपये इकट्ठा किया अपनी पॉकेट मनी का तो वो इकट्ठा करके उहदे च पाया ट्रेडिंग की कदे प्रॉफिट बनता सीगा कदे लॉस हुंदा सीगा कदे कुछ हुंदा सीगा तो मैं एक दो बार अपना अकाउंट ब्लो किया होया ठीक है उस तो बाद मैं ट्रेडिंग छड़ते सी मैंने सीगा भी यार होनी नहीं हैगी मैं तो क्योंकि बहुत टाइम लगता इन सीखने वास्ते मतलब 5-10 साल लगते हैं सीखने वास्ते तो घरदियां ने अलाउ नहीं करना सीगा भी 5-10 साल वेला बैठ के बस इधर मतलब ही करे तो वो घरदियां दा प्रेशर हो जाता भी कुछ करना करना तो मैनू सीगा यार मैंने कोई होर चीज़ मिले जिहड़ी मैं करा तो मैं मतलब भी जब करा तो मैं नौकरी वाल ना जाने फोर्स कर फिर मेरा जी सीगा भी जिम खोलना होर करना भी यार जे मैं जिम खोलना बिजनेस स्टार्ट कर ला तो फिर नौकरी वास्ते की पता ना अप्लाई करना पवे नौकरी ना करनी पवे बट जब कुछ भी नहीं होया है फिर मैंने सीगा भी चल कोई ना भी हुण जुडिशरी की तैयारी करते हैं क्योंकि मेरे ताया जी जज ने ठीक है तो मेरे तो पहला मेरे मतलब भी सारे सिबलिंग्स ने सारे भैन भरावान ने लॉ की है तो साड़ी फैमिली लॉ बारे ही पता सीगा तो असी लॉ ही करनी सी क्योंकि जब हुंदा नहीं है फैमिली थोड़ी एक प्रोफेशन चल रहा होवे तो ऑटोमैटिकली उही प्रोफेशन चूज़ कर दे पता नहीं क्यों क्योंकि किसी होर स्ट्रीम बारे पता ही नहीं हुंदा है तो एक नौकरी बारे पता सीगा भी जज की नौकरी हुंदी है तो ताया जी जज ने तो बहुत वधिया नौकरी है बहुत मतलब भी रेपूटेशन वाली बहुत प्रस्टीजियस नौकरी आ बट एट द एंड ऑफ द डे नौकरी आ ठीक है तो मेरा जॉब करने का दिल है नहीं सीगा बट फिर भी जो कुछ होर देख नहीं रहा ना स्टॉक मार्केट कुछ होया जे मैं स्टॉक मार्केट कर जिंदा ना कुछ मतलब उधर कमाण लग जिंदा वधिया कमाण लग जिंदा फिर मैं सच्ची किसी के प्रेशर थले नहीं आना सीगा फिर मैं नहीं मतलब भी तैयारी करनी सी होर करनी सी बट मेरे को दिखाने वास्ते ना कुछ नहीं सीगा भी देखो मैं यही कर रहा मैं इधरों पैसे कमा रहा मैं तां करके नौकरी नहीं करनी हैगी जब कुछ नहीं हुंदा हैगा फिर थोनू कुछ ना कुछ करना पैंदा ठीक है तो पे मतलब डिग्री खत्म हुई 2019 डिग्री खत्म हुई 5 साल की लॉ हुंदी है 2014 तो 2019 तक मैं लॉ की उस तो बाद जब डिग्री खत्म हुई फिर मैं जुडिशरी की कोचिंग ते लग गया ठीक है कोचिंग ते लग गया तैयारी कर लग गया तो उत्थे बैठा बैठा मैं तैयारी करता सीगा तो पहला ना बहुत मतलब भी ध्यान नाल की तैयारी ठीक है ध्यान नाल की क्योंकि कोई होर ऑप्शन है नहीं सीगा भी जिस जिंदगी कितने सैट होना पैसे कमाने ने सैलरी चाहिए है तो नौकरी तो चाहिए है नहीं अपना कोई बिजनेस खड़ा करिए तो बिजनेस वास्ते पैसे है नहीं सके ठीक है तो पेरेंट्स तो आए सीधा मंग नहीं सकते हैं भी पैसे दो बिजनेस स्टार्ट करना आए मैंने मंगना वधिया भी नहीं लगता है तो मैं वो मतलब भी प्रैपरेशन स्टार्ट करती तो 6 महीने तैयारी की तो 6 महीने जो मेरा हाल होया ना मैनू पता सवेरे ट्यूशन जाता हुंदा सीगा शाम को ट्यूशन जाता हुंदा सीगा ठीक है मतलब भी इन्ना गंदा रूटीन सीगा ना भी सवेरे जिम जाना जिम तो आके नहा धो के मिनट च फ्रैशन अप होके ट्यूशन दे जाना मैं लगा दो उत्थे 4 क्लासा सवेरे लानियाँ 3 क्लासा सवेरे लानियाँ घर आनी रोटी खानी दोपहर की घंटा रेस्ट करना फिर उठ के तैयार होकर ट्यूशन जाना फिर 3 क्लासा उत्थे लानियाँ फिर वापस आना रोटी खानी सौ जाना मतलब यही मेरा 6 महीने का रूटीन सीगा भी मैनू आए सीगा भी मैं 6 महीने की तैयारी खत्म करनी है मैं साल नहीं लमकाना है मैनू आए सीगा भी मैं छेती छेती कितने सैट होना तो वैसे तो वह माइंडसैट गलत आ छेती वाला ना काली वाला माइंडसैट वधिया नहीं हुंदा है बट मेरी खुशकिस्मती सी जब तैयारी कर रहे थे कोई पेपर नहीं निकलिया है जब 6 महीने बाद मेरी कोचिंग खत्म होगी तो मैं कोचिंग से बैठा बैठा ना की करन लग गया एक मैं कोट पढ़ी सी भी दुनिया च जिहड़े थोतों बहुत घट नॉलेजेबल बंदे ने ना वो थोतों बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी नॉलेज पर डाउट नहीं है ठीक है तो मैं कोचिंग से बैठा बैठा ना इंस्टाग्राम पर एक पेज बना लिया फिटनेस वाला उत्थे मैं ट्रेनिंग देने लग गया कॉन्टेंट बन लग गया तो जिदन मेरा पहला क्लाइंट आया सीगा ना तो मैंने 3,000 रुपये दिता सीने 1 महीने की ट्रेनिंग का फिटनेस की ट्रेनिंग दिता हुंदा सीगा मैं तो जिदन मेरे बैंक अकाउंट चो 3,000 रुपया आया ना बस मेरा उदन तो नौकरी तो मन उठ गया सीगा मैनू सीगा पैसा मैं बना लूँगा कोई बड़ी गल नहीं हैगी ठीक है भी मैनू आया सीगा भी पैसा
बन जूगा, नॉलेज होनी चाहिए है। तो अज के जमाने इंटरनेट के जमाने पैसा बनाना कोई औखा नहीं है, भी इन्ना कोई कॉम्प्लीकेटेड काम नहीं है। वह 3000 ने मेरा दिमाग खोलता सीगा, बस जिदण वो पहली कमाई हुई, जिदण वो 3000 आया, वो तो बाद मैं कोई नौकरी तो नहीं रख सकता सीगा। आए हैं जिदण तुम आपका 1 रुपया कमाना भी सीख लिया ना, भी तुम अपनी मेहनत नाल अपनी नॉलेज नाल 1 रुपया भी कमा लिया, थोनों नौकरी तो कोई रख ही नहीं सकता है। थोनों होगा यार जब मैं 1 रुपया कमा सकता मैं 10 भी कमा सकता, जो मैं 10 कमा सकता 100 भी, 100 तो 1000, 1000 तो 10000, 10000 तो लख, तो लख तो करोड़ तक पहुँचने से टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करना। ठीक है, हूँ जो सपोज करो एक क्लाइंट ने मैंने 3000 रुपये दिता सगा, 10 क्लाइंट मैं ले लैंदा महीने के 30000 रुपया, ठीक है, 20 क्लाइंट ले लैंदा 60000 रुपया, 30 क्लाइंट ले लैंदा 90000 रुपया, भी वो बस मल्टीप्लाई करना उस चीज़ को, फिर थोड़ा नौकरी तो कोई नहीं रख सकता। तो वह 3000 ने मेरा चकते मन नौकरी तो फटे चकते, ठीक है। उस तो बाद मतलब भी कदे कोई स्टेट का पेपर निकलिया करे, कदे कोई स्टेट का पेपर निकलिया करे, मैं ना मैं नहीं दिता है, मैं बस पंजाब का दूंगा, मेरा बहाना सीगा मैं भी मैं देना नहीं है, भी मैं नौकरी करनी नहीं हैगी। तो मेरा मेन मकसद ये सीगा, मेरा मेन मोटिव ना पेपर ना देन दा या फॉर्म भरन दा ये सीगा, भी जे मैं पेपर देता ना मैं पूरी तैयारी नाल नहीं देना हैगा, ठीक है, तो मेरा क्लीयर भी नहीं होना हैगा, सीधी गल आ, क्योंकि जे मेरा मन ही नहीं हैगा, मैं पूरी जान ला के तैयारी करनी नहीं हैगी, तो मेरा क्लीयर होना नहीं हैगा, तो मैं अपने आप ते ना एक स्टैंप नहीं लगवाना चाहता सीगा, भी इहदा पेपर नहीं क्लीयर होया हैगा, तां करके छड के किसी होर लाइन च आया। एक बार वो थब्बा लग जाए ना, वो स्टैंप लग जाए, तुम जिनी मर्जी एक्सप्लेनेशन दे लो, जिन्ना मर्जी उन्होंने धोने की कोशिश कर लो, वो नहीं उतरती हैगी, वो निशानी आए लोगों ने आई कहना भी यदा पेपर नहीं क्लीयर होया है ता करके करन लग गया। तो मैं जिंदगी ही कदे कोई पेपर नहीं दिता है, ना मैं कदे कोई फॉर्म भरया, मैनू सीगा भी मैं नौकरी तो करनी नहीं हैगी, ठीक है, मैं किसी के प्रैशर च आके किसी स्टेट का पेपर दे दूंगा, होर दे दूंगा, वो मेरे तो स्टैंप लग जूगी भी इन्हें पेपर दिता सीगा, ये क्लीयर नहीं होया है ता करके खेती च आ गया, तो उस स्टैंप मैं अपने आप से लगन नहीं दी हैगी। तो मेरी खुशकिस्मती सी भी पंजाब का पेपर निकलिया नहीं है, क्योंकि मेरा बहाना यही सीगा दूजी स्टेटा के जब पेपर निकलते सके भी जब पंजाब का निकलूँगा मैं उदो दऊँगा, पंजाब का निकलूँगा मैं उदो दऊँगा, ठीक है, तो वह निकलिया नहीं है, मतलब जो वो निकल जाता मैं भरना पैंता, क्योंकि पेरेंट्स का प्रैशर हों, ठीक है, फैमिली का प्रैशर हों, जे मैं भरदा मेरी तैयारी होंगी ना इन्नी, क्योंकि मन है नहीं सीगा उधर जाने का, तो मेरा नहीं क्लीयर होना सीगा, ठीक है, तो मेरे तो स्टैंप लग जाने से। उस तो बाद मैं जिंदगी जो मर्जी करता वो टैग लगिया हुंदा भी पेपर नहीं क्लीयर होया सीगा तां करके दूजी लाइन च आ गया। तो उस तो बाद कोविड आ गया, ठीक है, कोविड के मैं पिंड आ गया, तो मैं तो फादर साहब मतलब भी पहले डिस्कशन करते होंगे सके, फादर साहब ने मैंने 2019 दिखाया सीगा डेयरी फार्म वगैरह, ठीक है, किसी का, तो उदो मैं पूछा से उदो मेरा थोड़ा इंट्रस्ट जाग गया सीगा, तो फादर साहब ने 1000 मैं साला फार्म दिखाया सीगा यूट्यूब पर, तो मैं पहली चीज़ यही पूछी सी भी आप क्यों नहीं कर सकते, तो वह कहने कर सकते हैं, फिर असी गलों बातें करन लग गए, होर करन लग गए, फिर डिस्कशन कर लग गए, बट हौली हौली मैं जिमें चंडीगढ़ रहा मोहाली रहा फादर साहब पिंड रेंगे सके, तो जब तक तुम कट्ठे नहीं है ना, कट्ठे नहीं कम कर रहे हैं उदों तक कम नहीं स्टार्ट हो सकता, कला बंदा कुछ नहीं कर सकता, वो कहावत ना 100% सच है, भी एक तो एक 11 होंगे ने। तो मैं फादर साहब बहुत जोर लाना भी आप मैस लैके आने ए करते हैं करते हैं, बट तुम दूर बैठे ना गल ही मार सकते हो, असलीयत असली सच्चाई ग्राउंड लैवल वो बंद पता जो ग्राउंड लैवल पर कम कर रहा। तो 2019 फार्म नहीं स्टार्ट होया है, तो 2019 मेरी ज़्यादा वो खत्म हो गई सी, डिग्री खत्म हो गई सी, फिर मैं कोचिंग करन लग गया, तो कोचिंग मैं 2019 के एंड तक खत्म करती सी, मतलब 6 महीनों मैं ट्यूशन नबेड़ती सी जुडिशरी वाली, ठीक है। तो 2020 दे विच मैं पिंड आ गया, 2020 दे विच पिंड आ गया, तो पिंड आके भी इन्नी छेती फार्म नहीं स्टार्ट होया है, भी आँदे सारा सी गाह पाता होर पाता 4-5 महीने लग गए थे, मतलब 3 महीने लग गए पहली मैस लेके आने, ठीक है, मतलब हौली हौली हुंदा जिंदगी सब कुछ। बट मैनू आए आ भी मैं तो ना जुडिशरी का कदे फॉर्म भरया, ना कोई होर सरकारी नौकरी का फॉर्म भरया, ना कोई होर नौकरी का फॉर्म भरया, ना कोई पेपर दिता जिंदगी, ठीक है। तो मेन वजह यही सी भी टैग नहीं लगवाना सी अपने आप से, क्योंकि मैं जॉब वास्ते नहीं बनया है, बंदे नूं ना आपका पता हुंदा भी मेरा नेचर कहे जा नहीं, मैं किसी तो कहा नहीं सकता है, ठीक है, मेरे मतलब ही ना मैनू नहीं वधिया लगता है भी मेरे उत्ते कोई बॉस बैठा हो भी वो मैनू कहे भी ये काम करना ये काम नहीं करना है ये वो हुंदा नेचर हुंदा सब दा, ठीक है। कईयों नूं जॉब बहुत वधिया लगती है भी 9 to 5 काम करो सारी टेंशन काम दे छड्डिया घर आके मतलब ही अपना फ्री हो गए चिल हो गए जिंदगी चो बहुत वधिया, ठीक है ना, जिथे तुसीं खुश हो उत्थे जिंदगी घेंट आ, बस गल इन्नी का।
तो जिते तुम खुश नहीं है उत्थे जिन्ना मर्जी पैसा बनता हो जे थोड़ी हैल्थ नहीं ठीक हैगी उत्थे फिर कोई फायदा नहीं है। तो मेन प्रायोरिटी अपनी थोड़ी खुशी तो थोड़ी हैल्थ होनी चाहिए है। जे थोड़ा हैल्थ खराब हो रही है तो पैसा बहुत बन रहा कुछ नहीं कम आना है ठीक है ना। तो मैनू पता से मैं जॉब से खुश नहीं रहना है जिन्ना मर्जी पैसा हो जो मर्जी हो मैं खुशी नहीं मिलनी हैगी। तो मेरे फादर साहब ने हमेशा तो स्टार्टिंग एक चीज़ कहते होंगे सके भी अजय वो काम करें जिस तेन खुशी मिले ठीक है ना भी पैसा पूसा ये वो चीज़ों का बनती रहने कोई बड़ी गल नहीं हैगी भी मेन वो काम करें टेंशन फ्री होकर जो काम करें भी कोई तेन सिर दर्द भी ना हो कोई टेंशन ना हो कोई तेरे मतलब भी प्रैशर ना होे काम करें। तो करके फिर 2020 असी डेयरी फार्म स्टार्ट कर लिया तो 2020 डेयरी फार्म स्टार्ट कर लिया। तो मैं थोड़ा एक होर गल दसदा मैं ना पता नहीं मेरा की है मैं दूजे ऑप्शन कभी जिंदगी रखता ही नहीं है। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन लैनी सी ना तो प्लस टू तो बाद मैं सिर्फ PU का ही फॉर्म भरया मैं कोई होर कॉलेज का फॉर्म ही नहीं भरया है। जो मेरी एडमिशन ना होंगी ना मेरे कोई दूजा ऑप्शन है नहीं से मेरे दिमाग से कहीं आया भी नहीं है भी मेरी एडमिशन नहीं होनी हैगी। मैनू सीगा 101% होगी भी हो ही नहीं सकता नहीं हो कदम दिमाग च आया नहीं भी जे ना हो कोई होर कॉलेज का फॉर्म भर ला होर कर ला। तो आई मैं हूँ बिजनेस चा भी 200% मैं पता भी मेरे जोड़े सुपने ने पूरे हो गए ठीक है ना कोई डाउट ही है नहीं गा। टाइम घट वध लग सकता जी टाइम सोचा हुई साल च पूरे कर लेंगे 10 साल भी लग सकते हैं कोई बड़ी गल नहीं। वो मेरे च हूँ इनक पेशेंस आ गई पहला नहीं सी जब डेयरी फार्म स्टार्ट किया 2020 मैं जवाक से ठीक है ना 23 साल की उम्र सी मेरी हूँ 26 साल उम्र आ तीन सालों बहुत सियाना होया मैं बहुत ज़्यादा होया तो कोई फॉर्म नहीं भरया कोई कुछ नहीं किया बिजनेस कर रहा एन खुशी नाल कर रहे हैं मतलब भी ना कोई कहने वाला नहीं है भी ये काम करो नहीं। तो बिजनेस की ना चंगी गल भी यही है भी थोड़ा कोई कहने वाला नहीं है भी तुम ये करना तो माड़ी गल भी यही है थोड़ा कोई दसन वाला नहीं है जो कोई प्रॉब्लम आ गई ना भी ये काम करो भी आए सॉल्व करो चंगा टाइम भी थोड़ा माड़ा टाइम भी थोड़ा ठीक है ना। चंगे टाइम भी थोड़े रिजल्ट आएंगे थोड़ू मिलेगा फल माड़े टाइम भी तुम दुखी होवोगे तुम मतलब टेंशन तो बाहर निकलना। तो मतलब हर काम दे गुड एंड बैड हुंदा कोई चक्कर नहीं बस तुसी जिंदगी च ये देखो भी तुसी करना की है ठीक है थोड़ा एंड गोल की है। जे थोड़ा एंड गोल आ भी तुसी बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीनी है बहुत पैसा मतलब भी चाहिए थोड़ी जिंदगी तो तुम 9 to 5 कर रहे हो नौकरी कर रहे हो जिस इन्ना पैसा है नहीं तो कदम बन भी नहीं सकता है फिर तुम गलत प्रोफेसन चो फिर तुम चूज़ करो भी किमें कर सकते हो किमें नहीं। तो एक ना पिंड ने डेयरी फार्मिंग ने मैनू ये चीज़ दिती है भी मैं कॉन्टेंट बना सकता मेरे को हूँ एक साइड पर काम चल रहा ठीक है शहर में रह के बेला रह के कॉन्टेंट नहीं बना सकता सी जे मैं चाहता ना मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना या तो पढ़ाई के नाल स्टार्ट हुंदा जब मेरे तो कोई प्रेशर नहीं सीगा नौकरी का या किसी होर चीज़ का फ्यूचर का या हुण कर सकदा जब मेरा ऑलरेडी एक काम चल रहा ठीक है हुण डेयरी फार्मिंग तो इनकम आ रही है सब कुछ चल रहा तो करके मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बना सकता इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ बना सकता। तो जे तुम हूँ स्टूडेंट हो ठीक है तो तुम हले पढ़ रहे हो थोड़े तो कोई प्रेशर नहीं है जॉब का या किसी होर चीज़ का तो तुम यूट्यूबर बनना चाहते हैं या तुम कॉन्टेंट बनाना चाहते हो तो हूँ टाइम स्टार्ट करन दा जब प्लस टू या डिग्री होगी वो तो बाद जे तुम वेहले रह के स्टार्ट करोगे फिर तां नहीं मिलेंगे ठीक है फिर थोड़ा जिन्ना मर्जी जी हो ना हो फिर मतलब भी औखा हो जाता। तो जिनी छेती स्टार्ट करना काम कर उन्नी छेती स्टार्ट कर दो कैंट होगा काम कर ठीक है। तो पिंड की लाइफ ऐसी है भी पिंड की लाइफ ना बहुत शांतिपूर्वक जी लाइफ आ स्लो जी लाइफ आ भी थोनू मैं अपना काम पूरा सामदा ठीक है मैं सवेरे सवेरे वीडियो वाला काम बना लैंदा ठीक है बाकी मैं सारा दिन अपना दूजा काम करदा होर करदा। तो ये काम ने मतलब पिंड की लाइफ ने मैनू ये मौका दिता भी नाल मैं यूट्यूब पर कॉन्टेंट बना सकता अपनी फेस वैल्यू बना सकता परसनल ब्रांड खड़ा कर सकता तो नाल इंस्टाग्राम चला सकता होर कर सकता। जो मैं शहर से रहता हूँ मैं 9 to 5 की नौकरी करता हूँ मेरे तो यह काम नहीं होना सगा तो मेरे से ना एक कीड़ा भी सगा यूट्यूबर वाला ठीक है भी कॉन्टेंट बनाना ये वो क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बहुत वधिया कर रहे हैं इस फील्ड च ठीक है बहुत मतलब इनकम जनरेट कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं कॉन्टेंट बना के मैं ये भी सगा भी यार ये भी नाल स्टार्ट करना तो यदि लोड भी आ जब तुम कोई भी बिजनेस कर रहे होंगे ना तो थोड़ा मीडिया हाउस नाल बिजनेस दे चाहिए थोड़ा फ्री की पबलिसिटी चाहिए है हूँ अगे जाके आप बिजनेस बड़ा करते किसी एक्टर को पैसे दे के उस तो ऐड करवाने वो की लड़ आ आप भी इन्नी फेस वैल्यू बना लो भी थोड़ा एक्टर बुलाने की लड़ ही ना पवे थोड़े आप भी चैनल पर इन्ने व्यू आन भी थोड़ा समान हथों हथी बिके करके मैं चीज़ करनी सी तो पिंड की लाइफ ने मैंने ये चीज़ अलाउ की मैं कर सकता। तो यही अज की वीडियो भी मैं कदे कोई पेपर क्यों नहीं दिता कोई फॉर्म कदे क्यों नहीं भरया है नौकरी वाल क्यों नहीं गया है रिश्तेदार ने बहुत जोर लाया ठीक है ना मतलब ठीक है जेडे वधिया प्यार करते हैं थोड़ा भला ही सोचते हैं उन्होंने होंगे भी इन्ना पढ़ लिख के कोई वधिया नौकरी तो लग जाए पर उन्होंने सोच है ठीक है तुम अपनी सोच
समझा नहीं सकते हर बंदे नूं, तुसीं दिखा सकते हो। हुण मैं करके दिखा रहा, हले भी मैं आए नहीं कहिंदा वी मैं बहुत सक्सैसफुल हो गया, हले तां मतलब वी 1% भी आपां कम नहीं कीता हैगा, 0% ते खड़े हाँ, ठीक है ना। हले तां शुरुआत करनी है, सब कुछ करना, हले बहुत दूर जाना, भी मैं अपने आप नूं आए नहीं समझदा है कि मैं सक्सैसफुल हो गया, कुछ होर हो गया, बट मैं कम स्टार्ट करता अपना, ठीक है, उन्नी कु मैनूं खुशी आ। तां रिश्तेदारां ने बहुत जोर लगाना भी, एक बार पेपर दे के तां देख ला कि पता निकल जांदा हुंदा, कि पता ऐं हो जांदा हुंदा, ओह हो जांदा। पर मैं सीगा यार वी मैं जद करनी ओ नहीं ओ चीज़, मैं पेपर क्यों दवा, ठीक है। हुण जे सपोज करो तुसीं मतलब वी जहाज चढ़ना ही नहीं हैगा, तुसीं टिकटां लै लै के क्यों रखोगे, क्यों पैसे वेस्ट करने ने टिकटां लै लै के, जो चढ़ना ही नहीं हैगा जहाज, जदों जगह ते जाना ही नहीं, जदों नौकरी करनी नहीं हैगी, फॉर्म मैं क्यों भरा। निकल भी जाऊगा, मैं नौकरी लग भी जाऊँगा, फिर भी की होजूगा, नहीं मेरा जी करदा करन नूं, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा नहीं जी हैगा ना किसी चीज़ नूं करन दा, किसी चीज़ खुश नहीं हैगे, ना करो कोई चक्कर नहीं। पर जे हले थोनों कोई होर चीज़ नहीं मिल रही हैगी भी तुसी कोई होर चीज़ कर सको, तो थोनों धक्के नाल करनी पवे वो चीज़, फिर कर लो कोई चक्कर नहीं, बट उनू एज अ स्टैप समझ के चढ़ो, ठीक है। उनू आए ना समझो भी मैं ये सारी उम्र करना होना इदा ने ना गाह पा रखे सुर सुर, पिंड का यही घंटा यार, मतलब ना जी जहा लगे रहना, ट्रैफिक का रौला नहीं हैगा, होर कुछ नहीं हैगा, थोनों आही पक्षी पुक्षी जो बोलते सुनगे करे कैंड लाइफ। तो चलो आप वाइंड अप करिए वीडियो, तो उ भी जे कुछ कर नहीं चीज़ करता, कोई नौकरी करूँ तो मजबूरी नाल करनी पै रही है, तो माइंड च एक प्लैन बना के रखो भी इन्ने पैसे कट्ठे करके इतने इनवैसट करके ऐ करके ऐ निकल जाना, ठीक है। जो चीज़ नहीं वधिया लग रही मजबूरी करनी पै रही करो, कोई चक्कर नहीं, स्टैप पहले लो, पैसे पूसे जमा करो, तो प्लैन बना के वो चीज़ चो निकल जाओ। वो चीज़ सदा ना करो जो थोड़ा वधिया नहीं लग रही हैगी, ठीक है। जो तुम सदा दुखी रहने हो, दो चार साल दुखी रहना कोई बड़ी गल नहीं हैगी, ठीक है ना। इन्ना तो करना पैंदा, हुण इन्ने भी आप मनमौजी नहीं हो सकते है भी यार भी बस पता नहीं भी लाड साहब बन के जीना, ठीक है, वो नहीं है, मेहनत तो करनी पैनी जिंदगी। हुण जिहड़ा मेरा शड्यूल आ, मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी आ, ठीक है, बहुत ही हद ज़्यादा, तो मैं जे कहाँ भी मैं बहुत मज़ा आ रहा जिंदगी नहीं, थोड़ी मेहनत तो करनी पैनी, बट मैं ये सदा नहीं करनी हैगी, मेरा यही दिमाग च हैगा, ठीक है, हौली हौली ऑटोमैटिक कर देना काम। तो जी नौकरी थोनों करनी भी पै रही है ना, कोई होर हल नहीं लभ रहा, जिम मैंने लभ गया हल, ठीक है, थोनों नहीं लभ रहा कुछ साल नौकरी कर लो, पैसे जमा कर लो, फिर कोई अपना काम स्टार्ट कर लियो, ठीक है। तो उन्होंने स्टैपिंग स्टोन समझ के चढ़ो, पौड़ी का पहला हिस्सा समझ के चढ़ो भी, पर यह दिल च रखियो जे मैं इससे खुश नहीं है मैं इधर निकलना, तो जिन्ना तुम छेती निकलने की कोशिश करोगे उन्ना छेती निकल भी जाओगे, ठीक है। तो मन जहा मार के सारी उम्र वो जॉब जिन्ना बैठे रहो जिते थोड़ा जी नहीं लगता है, जिते थोड़ू टेंशन होंगी है, खुशी नहीं मिलती, दिमाग सैट नहीं है। खुशी इंपॉर्टेंट आ, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट आ, तो जो पैसे वास्ते होर कोई काम नहीं है तो थोड़ी देर खुशी जी मार के कर लो, बट जब पैसा बन गया होर कर गया फिर निकल जाओ चीज़ चो। तो यह सी अपनी अज की वीडियो, वधिया लगी लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ जिन्ना करनी चाहिए है, तो जे तुसीं चैनल ते पहली बार आए हो तो सबसक्राइब कर दिओ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने वास्ते, थैंक यू जी।